इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप गंदा पानी पिएंगे, डायरेक्ट सप्लाई का पानी पिएंगे, डायरेक्ट नल से पिएंगे, डायरेक्ट चापाकल से पिएंगे, डायरेक्ट कुएं से निकाला हुआ पानी पिएंगे, टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिल्टर करना बहुत जरूरी है। फिल्टर करने के बहुत तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि 14,000 या 15,000 की मशीन लगाई जाए जो आरओ मशीन लगी रहती है घर में लोगों को। पहला तरीका है उबालना। ठीक है, आप पानी उबाल सकते हैं। कैसे उबाला जाता है? पानी जितना पीना है उतना ले लिया, उसको 3 मिनट तक उबाला जाता है। ठीक है, आप लोग अपने घर में अपनी मम्मियों को जाके सिखाएंगे। जितना पानी पीना है उतना एक बर्तन में लेकर के उसको उबालना शुरू करें, और जब उबलना शुरू हो जाए खड़ी चेक करके 3 मिनट तक उबलने दीजिए उसको। जब 3 मिनट तक उबल जाए उसके बाद ठंडा होने छोड़ दीजिए, उसके बाद उसी पानी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरह से करने से कम लगभग 90% कीटाणु मर जाते हैं, आपको टाइफाइड वगैरह नहीं होता। ठीक है, दूसरा तरीका है जो हमारे पहले गांव में भी होता था कि कम से कम कपड़े से छान देते थे, कपड़े से छाना जाता था या बर्तन में कपड़ा बांध दिया उसके ऊपर पानी डालते थे, मिट्टी साफ हो जाती है, कीटाणु साफ नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर कपड़ा छानना और उबालना दोनों साथ में किया जाए तो पानी बहुत साफ हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब से आप लोग घर में साफ पानी के लिए आप लोग अपने माँ बाप को सिखाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज से आप सबकी जिम्मेदारी कि आप लोगों के घर में पानी सब कोई साफ पिएगा, चाहे कोई आपका घर का मेंबर हो चाहे कोई गेस्ट आए, उसको साफ पानी ही पिलाएंगे। ठीक है, आप लोग भी गंदा पानी नहीं पिएंगे। दूसरा बीमारी आजकल हो रहा है लूज मोशन, बहुत ज्यादा हो रहा है ठंड में। क्यों हो रहा है? ठंड में लूज मोशन इससे ज्यादा।